हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू हाइब्रिड फिजिक्स बाय फिजिक्स गैलेक्सी। हाइब्रिड फिजिक्स में हम कवर कर रहे हैं मैक्सिमम इनडेप्थ कवरेज ऑफ फिजिक्स एंड मिनिमम पॉसिबल टाइम। दो स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर जेई और नीट, या आप क्लास 11th और 12th के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो भी फास्टेस्ट पॉसिबल वे में टू द पॉइंट फिजिक्स को, कंप्लीट फिजिक्स को कवर करने के लिए दिस वन ऑफ द बेस्ट प्लेस फॉर यू। सो आगे बढ़ते हैं हाइब्रिड फिजिक्स के टॉपिक डायनामिक्स की तरफ। द टॉपिक ऑफ डायनामिक्स इज फॉर कॉजेज ऑफ मोशन, मोशन क्यों शुरू होता है या मोशन के पोस्ट इफेक्ट्स क्या होते हैं, उनके बारे में हम जानेंगे डायनामिक्स में। डायनामिक्स के टॉपिक की स्टार्टिंग होती है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन से। आई एम वेरी श्योर कि आपने अपनी अर्ली क्लासेस के अंदर न्यूटन्स लॉज पढ़े होंगे। न्यूटन के जो तीन लॉज हैं वो हमारे डायनामिक्स का बेसिस होता है। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन ही हम आज स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्लास से, और न्यूटन्स लॉज के टॉपिक से डायनामिक्स शुरू होता है। यानी किसी भी मोशन के कॉजेज की स्टडी जब हम करते हैं तो हम बात करते हैं किसी ना किसी फोर्स के एप्लीकेशन से बॉडी चलना शुरू होती है या चलती हुई बॉडी को रेस्ट पे लाया जाता है। सो एवरीथिंग रिलेटेड टू कॉज ऑफ मोशन, चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन, वी आर गोइंग टू स्टडी न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। सो स्टे ट्यून्ड, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द टॉपिक ऑफ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। सो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं टॉपिक ऑफ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। बट स्टार्टिंग में अभी मैं आपको न्यूटन्स लॉज की डेफिनेशन नहीं बताने वाला हूँ, वो भी बताएंगे, आगे कवर करेंगे। ऑल्दो आपने डेफिनेशंस अपनी क्लास 9th या 10th में ऑलरेडी करी है, कई एप्लीकेशंस भी न्यूटन्स लॉज के पढ़े हैं, लेकिन सबसे पहले ये फर्क समझना जरूरी है कि जो 9th-10th में आपने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़े थे और अब क्लास 11th में पढ़ने जा रहे हैं, उनमें बेसिक डिफरेंस क्या है। सो डिफरेंस आई थिंक ज़्यादातर स्टूडेंट्स को पता है, एप्लीकेशन लेवल का डिफरेंस होगा, थोड़े टफ एप्लीकेशंस आएंगे, क्वेश्चंस का लेवल अच्छा होगा। सो ऑब्वियसली अगर क्वेश्चन का लेवल अच्छा होगा तो हमको थोड़ी प्री प्रिपरेशन भी करनी पड़ेगी, हमको न्यूटन्स लॉज के अच्छे लेवल के एप्लीकेशंस को समझने के लिए, जो तीनों लॉज हैं, फर्स्ट लॉ इनर्शिया लॉ, सेकंड लॉ फोर्स एज मास इनटू एक्सेलरेशन, एंड थर्ड लॉ एक्शन रिएक्शन लॉ। इनकी डेफिनेशंस हम फिर से करेंगे, लेकिन इनके थोड़े से अच्छे लेवल के या डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस या क्लास 11 12 लेवल पे इनके एप्लीकेशंस को समझने के लिए हम एक टॉपिक और कवर करेंगे, जो आप ऊपर यहाँ पे देख सकते हैं न्यूटन्स लॉज में, कंस्ट्रेंड मोशन। सो अभी हम इस फर्स्ट क्लास में फोकस करेंगे कंस्ट्रेंड मोशन पे, ताकि कंस्ट्रेंड मोशन कंप्लीट होने पे हम न्यूटन्स लॉज के एप्लीकेशन को डिफरेंट और हाई लेवल की सिचुएशंस में बहुत ईज के साथ अप्लाई कर सकें। आप जानते हैं हाइब्रिड फिजिक्स में हमारा एम रहता है, चाहे क्वेश्चंस इजी आए हमारे सामने या डिफिकल्ट आए, हम उसी फंडामेंटल ईज के साथ हम क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं और वही आपको सिखाना चाहते हैं कि फिजिक्स फिजिक्स ही होती है, फिजिक्स में कुछ भी ईजी या डिफिकल्ट नहीं होता। सो फिजिक्स को फंडामेंटल लेवल पर समझना जरूरी है, हर चीज़ पर डायरेक्ट जंप नहीं करना, उस चीज़ पर या किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए उसकी प्री प्रिपरेशन बहुत जरूरी होती है। सो आइए स्टार्ट करते हैं कंस्ट्रेंड मोशन। मैंने यहां पे दो डायग्राम बनाया, एक ब्लॉक ए है फ्लैट सरफेस पे और एक ब्लॉक है एक इंक्लाइंड प्लेन पे। हमें अच्छी तरह पता है कि इंक्लाइंड प्लेन वाले ब्लॉक को अगर छोड़ेंगे और अगर हम ये मान के चलते हैं कि ये प्लेन स्मूथ है, सो बिकॉज ऑफ ग्रेविटी ये स्लाइड करेगा। mg अगर नीचे एक्ट कर रहा है तो हम ऑलरेडी प्रोजेक्टाइल मोशन में कर चुके हैं कि इंक्लाइन प्लेन के अलॉन्ग जो g का कंपोनेंट होता है वो होता है g साइन थीटा। सो स्मूथ सरफेस पे अगर इसे छोड़ दिया जाएगा तो ये स्लाइड करेगा और इसका एक्सेलरेशन होगा g साइन थीटा। एक्सेलरेशन से ब्लॉक एक्सेलरेट होता हुआ नीचे आएगा और ये रेस्ट पे रहेगा। अगर इस ब्लॉक को हम हॉरिजॉन्टली किसी फोर्स एक्सटर्नल फोर्स F से खींचते हैं तो ये चलना शुरू हो जाएगा। आप डायरेक्टली कह सकते हैं 9th क्लास में पढ़ा, इसका एक्सेलरेशन होगा फोर्स अपॉन मास। यहाँ पे जी साइन थीटा एक्सेलरेशन क्यों है, क्योंकि ग्रेविटी का फोर्स इस पर डाउनवर्ड लगा, इसका वेट लगा एम जी का लॉन्ग प्लेन कंपोनेंट था एम जी साइन थीटा, तो इसका एक्सेलरेशन था एम जी साइन थीटा बाई एम, दैट्स वाई इसका एक्सेलरेशन है जी साइन थीटा। अब कंस्ट्रेंड मोशन क्या रोल प्ले करता है, पहली चीज हम यहाँ देखें कि अगर इसको एफ फोर्स से खींचा जाए तो ये ब्लॉक इस सरफेस के अलॉन्ग एक रेक्टिलिनियर मोशन में चलेगा, स्ट्रेट लाइन में चलेगा। इस सरफेस से इसके कांटेक्ट की वजह से ये कहीं और मूव नहीं कर सकता, ये हॉरिजॉन्टल मोशन में चलेगा। अगर यहाँ पे ये सरफेस ख़त्म हो जाती है
तो इसके बाद ये फ्री फॉल में आ जाएगा और साथ में एक्सटर्नल फोर्स एफ एस को आगे भी खींचेगा। अगर फोर्स हट जाता है तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन फॉलो करेगा। यहाँ के बाद अगर हम फोर्स को जीरो कर दें तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन करता हुआ गिरेगा, जिसको हम कहेंगे इसका फ्री फॉल मोशन। सो अब आगे का जो मोशन है वो फ्री फॉल है, लेकिन इससे पहले का जो मोशन था हम उसको कहेंगे कंस्ट्रेंड मोशन, क्योंकि इस ग्राउंड की वजह से, इस टेबल की वजह से, इस सरफेस की वजह से दिस ब्लॉक वाज कंस्ट्रेंड टू मूव ओनली इन अ स्ट्रेट लाइन। यहां पे बात करेंगे तो ये ब्लॉक इस इंक्लाइन सरफेस पे स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा, सो इट इज कंस्ट्रेंड टू मूव अलोंग दिस लाइन ओनली। और इस पॉइंट के आगे अगर यहाँ पे फ्री फॉल जी एक्ट कर रहा है तो फिर ये भी प्रोजेक्टाइल मोशन करता हुआ गिरेगा। मोशन के एनालिसिस को हम काइनेमेटिक्स के तरीकों से, जो K1 से लेके K7 तक फार्मूला सेट हमने पढ़े हैं, उनको आगे हम रिव्यू भी कर लेंगे, उन K1 से लेके K7 तक के फार्मूला सेट से ही हम मोशन को एनालाइज करेंगे। लेकिन मोशन की स्टार्टिंग या मोशन में वेरिएशन को समझने के लिए हमें बहुत अच्छी तरह से कंस्ट्रेंड मोशन समझना जरूरी है। सो अभी जो मैंने कवर किए बिल्कुल एलिमेंट्री लेवल के कंस्ट्रेंड मोशन की हम बात कर रहे हैं। एक सिंगल बॉडी है, ड्यू टू अ सरफेस इट इज कंस्ट्रेंड टू मूव ओनली इन अ स्ट्रेट लाइन, वेदर इट इज हॉरिजॉन्टल प्लेन और इट इज इंक्लाइंड प्लेन। देयर कैन बी डिफरेंट टाइप ऑफ कंस्ट्रेंड मोशन, लाइक अगर एक ग्राउंड के ऊपर हम दो ब्लॉक्स कंसिडर करें ए और एक दूसरा ब्लॉक होगा बी, और ये दोनों एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है और ब्लॉक बी पे एफ फोर्स आगे लगाया गया। सो ड्यू टू द फोर्स बी आगे पुल होगा तो स्ट्रिंग में टेंशन आ जाएगी, जिसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। टेंशन इज अ फोर्स जिसकी वजह से स्ट्रिंग टाइट हो जाती है और स्ट्रिंग से अटैच सारी बॉडीज पे वो फोर्स लगता है। सो अगर बी को आगे खींचा जाएगा तो ये स्ट्रिंग क्या करेगी, इस ए को आगे खींचेगी। ये फोर्स होगा फोर्स ऑफ टेंशन टी, जो हमेशा स्ट्रिंग के अलोंग लगता है। अगर आपको स्ट्रिंग टेंशन के बारे में नहीं पता तो घबराइए मत, क्योंकि स्ट्रिंग टेंशन को बहुत डीपली इन डेप्थ हम कवर करने वाले हैं। यहाँ सिर्फ इतनी सी ही एलिमेंट्री चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि स्ट्रिंग पे जब कोई फोर्स लगाया जाता है, स्ट्रिंग टाइट होती है, तो अपने कनेक्टेड पॉइंट्स को जहाँ पे भी ये स्ट्रिंग जुड़ी हुई है उस जगह पे ये अपनी लेंथ के लॉन्ग टी फोर्स से खींचती है, और स्ट्रिंग की लेंथ में टी सेम रहता है। ये हम आगे पढ़ेंगे कि ये टी क्यों सेम रहता है, टेंशन कैसे डेवलप होती है और किस डायरेक्शन में लगती है। अभी सिर्फ इतना सा ध्यान में रखें कि बी फोर्स को आगे खींचे, बी को एफ फोर्स से आगे खींचेंगे तो इस पर टेंशन पीछे लगेगी, क्योंकि इस ब्लॉक ए का इनर्शिया इस बी को पीछे खींच रहा है और ये वाली टेंशन जो बी आगे जा रहा है ए को आगे खींच रही है। नाउ दोनों ब्लॉक्स एक दूसरे के साथ आगे बढ़ेंगे, अगर बी की वेलोसिटी v1 है तो ए की भी वेलोसिटी v1 ही रहेगी। B का एसेलरेशन किसी इंस्टेंट पे A1 है तो A का एसेलरेशन भी उस इंस्टेंट पे A1 ही होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि बोथ द ब्लॉक्स आर कंस्ट्रेंड टू मूव टुगेदर, ये एक साथ ही चलेंगे। यानी कि अगर हम किसी एक बॉडी की बात करें, एक ये रिजिड बॉडी है, रिजिड बॉडी वो होती है जिस बॉडी के पार्टिकल्स का सेपरेशन चेंज नहीं होता। अगर ये बॉडी किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में वी वेलोसिटी से चल रही है, सो दिस इज क्वाइट ऑब्वियस कि इस बॉडी में जितने भी पार्टिकल हैं एक्स वाई जेड, ये सारे के सारे पार्टिकल्स इस बॉडी के साथ वी वेलोसिटी से उसी डायरेक्शन में चल रहे होंगे, क्योंकि इन सारे पार्टिकल्स का नेचर ऐसा है कि एक दूसरे से रिजिडली कनेक्टेड हैं। सो वी कैन से पार्टिकल्स एक्स वाई जेड एंड ऑल अदर पार्टिकल्स ऑफ बॉडी आर कंस्ट्रेंड टू मूव टुगेदर, उन सब की वेलोसिटी सेम होगी, उन सब का एक्सेलरेशन सेम होगा। तो जो कुछ भी हमने अभी कवर किया ये सिर्फ एलिमेंट्री आइडिया अबाउट कंस्ट्रेंड मोशन है। कंस्ट्रेंड मोशन का मीनिंग आप ये मान के चलिए कि बॉडी का मोशन कुछ स्पेसिफिक लॉज या रूल्स की वजह से कंस्ट्रेंड है, वैसा ही मूव हो सकता है जैसा वो डिफाइन किया गया। जैसे एक्स वाई जेड अलग अलग मूव नहीं हो सकते क्योंकि ये रिजिड बॉडी है। अगर ये दोनों ब्लॉक किसी एक डायरेक्शन में जा रहे हैं और स्ट्रिंग टाइट है, यहां ध्यान रखें कंडीशन है, अगर स्ट्रिंग टाइट है तो ए और बी की वेलोसिटी सेम होगी इन रेक्टिलिनियर मोशन। ऑल्दो मोशन इन अ प्लेन जरूरी नहीं है सेम हो सकता है, बी आगे जा रहा है ए पीछे जा रहा है, अलग अलग वेलोसिटी हो सकती है, बट हम बात कर रहे हैं रेक्टिलिनियर मोशन की। सो कई सारे रूल्स होते हैं जो स्पेसिफिकली डिफाइंड होते हैं किसी भी मोशन के लिए, इन रूल्स को हम कहते हैं कंस्ट्रेंट्स ऑफ मोशन या कंस्ट्रेंट रिलेशंस ऑफ मोशन, जिससे किसी भी मोशन को स्पेसिफिकली गवर्न किया जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं, कंस्ट्रेंट मोशन को एक स्टेप आगे ले जाते हैं। ओजी प्लीज बोर्ड को क्लियर करें। थैंक यू पोजी। सो नाउ विल डिस्कस द कंस्ट्रेंट रिलेशन ऑफ टू कनेक्टेड बॉडीज। सबसे ज्यादा जो हमारे काम आने वाली चीज है न्यूटन्स लॉज के अंदर वो है कंस्ट्रेंट मोशन ऑफ टू बॉडीज विच आर कनेक्टेड टू ईच अदर। जैसे एक सिंपल सा केस हम देख सकते हैं, एक पुली ब्लॉक सिस्टम है, बिल्कुल फंडामेंटल पुली ब्लॉक सिस्टम जो आपने शायद पढ़ा भी होगा, दिस व्हाट वी कॉल
एटवुड्स मशीन। सिंपल, दो ब्लॉक जब एक स्ट्रिंग से कनेक्ट होते हैं और एक पुल्ली के दोनों साइड हैंग कर रहे होते हैं, सो इस सिस्टम को हम कहते हैं एटवुड्स मशीन। लेट मी फर्स्ट चेंज माय पेन। सो दिस व्हाट वी कॉल एटवुड्स मशीन। अगर हम इन दोनों ब्लॉक्स के मोशन को एनालाइज करें तो ऑब्वियसली अगर एक ऊपर जाएगा तो दूसरा नीचे आएगा, स्ट्रिंग्स ड्यू टू ग्रेविटी टाइट होंगी। आप डायरेक्टली कह सकते हैं कि जितना डिस्प्लेसमेंट ए का अपवर्ड होगा उतना ही डिस्प्लेसमेंट बी का डाउनवर्ड होगा। यानी अगर ए ऊपर जाता है बाय डिस्टेंस एक्स और बी नीचे आता है बाय डिस्टेंस वाई, तो यहाँ पे एक्स और वाई ये दोनों बराबर होंगे क्योंकि स्ट्रिंग टाइट है और हम ये मान के चल रहे हैं कि स्ट्रिंग इज इनएक्सटेंसिबल। एटवुड मशीन, हम यहाँ पे ये भी लिख देते हैं, इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग यहाँ पे यूज की जा रही है, यानी स्ट्रिंग में इलास्टिसिटी नहीं है, स्ट्रिंग हमेशा टाइट रहती है और इसकी लेंथ कॉन्स्टेंट रहती है। सो जितना ये ऊपर जाएगा उतना ही बी नीचे आएगा। अगर हम इस रिलेशन को डिफ्रेंशिएट करें, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, सो डीएक्स बाई डी टी, इसके डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन हमारे पास आ जाएगा वी एक्स और ये आ जाएगा वी वाई। या आप इसको लिख सकते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विल बी वेलोसिटी ऑफ ए, डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विल बी वेलोसिटी ऑफ बी। एक बार और अगर इसको डिफरेंशिएट किया जाए विद रिस्पेक्ट टू टी, एसेलरेशन ऑफ ए विल बी इक्वल टू एसेलरेशन ऑफ बी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन वेलोसिटी, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन एसेलरेशन सेम रहेंगे। यहाँ पे हम ये भी कंसिडर कर सकते हैं कि अगर ए से लेके इस पुली तक की डिस्टेंस एल वन है, बी से लेके इस पुली तक की डिस्टेंस एल टू है, सो यहाँ पे हम वेलोसिटी ऑफ ए लिख सकते हैं डी एल वन बाई डी टी। मगर ये ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पे L1 डिक्रीज हो रहा है, सो जिस भी लेंथ में डिक्रीमेंट आ रहा होगा उसका डेरिवेटिव नेगेटिव होगा क्योंकि टाइम के साथ लेंथ कम हो रही है। सो VA विल बी रिटर्न एज माइनस DL बाई DT। और यहाँ पे VB जब लिखेंगे तो ये होगा क्योंकि ये नीचे जा रहा है, L2 इंक्रीज हो रहा है, इट इज़ अ डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द टॉप पॉइंट। और ये पॉइंट्स हम ले सकते हैं फिक्स्ड पॉइंट्स ऑफ पुली, जिन फिक्स पॉइंट से ए और बी का डिस्प्लेसमेंट लिया गया, तो इसको डीएल टू बाई डी टी लिखा जा सकता है, इट इज वन एंड सेम। एल वन प्लस एल टू इज द लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग जो सेम रहेगी, कॉन्स्टेंट रहेगी। हम यहाँ ये भी लिख सकते हैं एल वन प्लस एल टू इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग जो कि कॉन्स्टेंट है, जिसमें कोई वेरिएशन नहीं हो रहा है। अगर इस रिलेशन को डिफ्रेंशिएट किया जाए विद रिस्पेक्ट टू टी, सो इसका डिफ्रेंशिएशन आएगा डी एल वन बाई डी टी प्लस डी एल टू बाई डी टी इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट है। और यहाँ पे डी एल वन बाई डी टी को हम लिख सकते हैं माइनस वी ए, सो दिस कैन बी रिटर्न एज माइनस वी ए डी एल टू बाई डी टी इज प्लस वी बी, प्लस वी बी इज इक्वल टू जीरो, विच गिव्स अस इनडायरेक्टली वी ए इज इक्वल टू वी बी। सो दो तरीके हैं जिससे हमने ए और बी की वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को रिलेट किया। पहला, इनके डिस्प्लेसमेंट्स को देख के एक्स और वाई को डायरेक्टली हम स्ट्रिंग लेंथ कांस्टेंट मान के इक्वेट कर सकते हैं, इसी को डिफरेंशिएट कर दीजिए। दूसरा तरीका मैथमेटिकल है, ज़्यादा लॉजिकल है, इस क्वेश्चन में इतना मैटर नहीं करता, लेकिन कई क्वेश्चंस आएंगे जहाँ पे ये मेथड ज़्यादा काम करेगा। अभी हम इतने केसेस लेंगे कि दिस विल बी वेरी वेरी फेमिलियर टू ऑल ऑफ यू, बहुत इजीली आप चीज़ों में अप्लाई कर पाएंगे जिनमें हमने डिस्प्लेसमेंट लिया है किसी फिक्स पॉइंट से और उस डिस्प्लेसमेंट को पहले आपस में रिलेट किया और फिर डिफरेंशिएट करके रिजल्ट निकाला। इस केस में सिर्फ इतना सा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जो भी डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ डिक्रीज हो रहा है या डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो उसका डेरिवेटिव आप नेगेटिव वेलोसिटी लेंगे, और जो डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हो रहा है टाइम के साथ उसका डेरिवेटिव आप पॉजिटिव वेलोसिटी लेंगे। आइए कुछ और केसेस लेते हैं सो दैट ये चीज़ें थोड़े स्टेप बाय स्टेप लेवल पे आगे बढ़ती जाएं और हमारी अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज होती जाए। पोजी, प्लीज़ क्लियर द बोर्ड। थैंक यू पोजी फॉर द फिगर्स। आप देख सकते हैं जो तीन फिगर्स आपके सामने हैं, यहाँ पे भी दो ब्लॉक्स हैं और दोनों एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड हैं विच इज पासिंग ओवर अ पुली। वही सिचुएशन है जो हमने एटवुड्स मशीन में ली थी, फर्क सिर्फ इतना सा है कि अब ब्लॉक, एक ब्लॉक या दोनों ब्लॉक सरफेस पे हैं। फर्स्ट केस में ए ब्लॉक ग्राउंड पे है, बी हैंग कर रहा है, बट स्ट्रिंग सेम है। तो अगर स्ट्रिंग लेंथ सेम है तो देखते ही हम ये कह सकते हैं कि ए का फॉरवर्ड मोशन और बी का डाउनवर्ड मोशन दोनों आइडेंटिकल होंगे। अगर ये V1 से चलता है तो B भी V1 से चलेगा, इसका एक्सेलरेशन A1 है तो B का एक्सेलरेशन भी A1 होगा क्योंकि स्ट्रिंग लेंथ कांस्टेंट है, डिस्प्लेसमेंट सेम होंगे। इस केस में भी डिपेंडिंग कि A नीचे जाएगा या B नीचे जाएगा, इस बारे में आगे एनालाइज करेंगे कि मोशन की शुरुआत कैसे होगी, किस डायरेक्शन में होगी, बट कंस्ट्रेंट रिलेशन हम ये देख सकते हैं
कि अगर इसकी वेलोसिटी वी ए है और इसकी वेलोसिटी वी बी है तो हम डायरेक्टली यहाँ पे वी ए इक्वल टू वी बी लिख सकते हैं। स्पीड्स बराबर होंगी, डायरेक्शन भले ही अलग हैं लेकिन स्ट्रिंग लेंथ सेम होने की वजह से ये जितना डिस्प्लेस होगा बी भी उतना ही होगा। सेम थिंग विल बी हेयर, अगर ये वी ए से चल रहा है और ये वी बी से चल रहा है तो वी ए इज इक्वल्स टू वी बी। यहाँ पे एसेलरेशन ऑफ ए इज ऑल्सो इक्वल टू एसेलरेशन ऑफ बी। इनके जो भी एसेलरेशंस होंगे इन सभी केसेस में जहाँ पे स्ट्रिंग लेंथ कांस्टेंट है एसेलरेशंस और वेलोसिटी सेम रहेंगे, इस बात का हमेशा ध्यान रखें। थोड़े और एक स्टेप आगे की तरफ चलते हैं। पोजी प्लीज क्लियर द बोर्ड। थैंक यू पोजी। सो स्टूडेंट्स अभी हमने कवर किया बेसिक कंस्ट्रेंट मोशन ऑफ टू कनेक्टेड बॉडीज, जो अगर एक दूसरे से एक स्ट्रिंग से जुड़ी हैं और स्ट्रिंग टाइट है तो दोनों का मोशन हमेशा आइडेंटिकल होगा। आइडेंटिकल मींस कि जितना एक पॉइंट पर डिस्प्लेसमेंट होगा उतना ही दूसरे पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट होगा। सो जो दोनों पॉइंट हैं स्ट्रिंग के जिन बॉडीज से कनेक्टेड हैं उनका डिस्प्लेसमेंट इक्वल है तो उनकी वेलोसिटीज इक्वल होंगी और उनका एक्सेलरेशन इक्वल होगा। लेकिन हमेशा ऐसा केस नहीं होता। कई बार ऐसी सिचुएशंस होती हैं पार्टिकल्स या पॉइंट्स आपस में कनेक्टेड तो होते हैं लेकिन उनके डिस्प्लेसमेंट अलग अलग होते हैं। आइए ऐसे ही एक केस लेते हैं, एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारा फर्स्ट लॉजिकल मेथड हेल्प करेगा, ऑल्दो हम इसके शॉर्टकट भी डिस्कस करेंगे बट मैं चाहूँगा आप लॉजिकल मेथड्स को समझे जहां पे हम पार्टिकल्स की डिस्प्लेसमेंट्स को आपस में रिलेट करके डिफरेंशिएट करते हैं और डिस्प्लेसमेंट के डिफरेंशिएशन को वेलोसिटी से रिप्लेस करते हैं। आइए देखते हैं इलस्ट्रेशन। ओजी प्लीज इलस्ट्रेशन ओपन करें। थैंक यू। सो यहां पे आप देख सकते हैं हमारे पास एक वॉल है और एक फ्लोर है जिस पे एक रिजिड रॉड रखी गई है। रॉड इज ए बी। हमें पूछा गया है इन फिगर फाइंड वेलोसिटी ऑफ एंड ए ऑफ रॉड। आप देखें तो ये गिवन है पॉइंट जो बी है रॉड का जो दूसरा एंड है वो वी नॉट वेलोसिटी से आगे चल रहा है। क्वेश्चन में हम ये मान के चलेंगे कि यहाँ पे जो वी नॉट है ये कांस्टेंट वेलोसिटी दी गई है और हमें इस ए पॉइंट की वेलोसिटी निकालनी है, जो देख के हम गैस कर सकते हैं कि विद द गिवन सिचुएशन पॉइंट इज कंस्ट्रेंड टू मूव अलोंग द वॉल विद द वेलोसिटी वी ए। वी ए जरूरी नहीं है कॉन्स्टेंट हो क्योंकि यहाँ पे जो एंगल थीटा है वो टाइम के साथ चेंज हो रहा है, बट हमें वी ए निकालना है जब ये सिचुएशन दिखाई गई है। सो इस केस में हम अपना फिक्स पॉइंट ये ओरिजिन ले लेते हैं, बी का डिस्टेंस ओ से एक्स ले लेते हैं, ए का डिस्टेंस ओ से वाई ले लेते हैं। सो अगर बी और ए की वेलोसिटीज देखें एक्स और वाई से आप रिलेट कर सकते हैं। जो अभी मैंने आपको समझाया था बी का डिस्टेंस ओ से बढ़ता जा रहा है तो मैं यहाँ पे वी नॉट को लिख सकता हूँ प्लस डी एक्स बाई डी टी, और VA को हम क्या लिखेंगे कंपेयर टू ओरिजिन और फ्रॉम द फिक्स पॉइंट ऑफ ओरिजिन Y डिक्रीज हो रहा है। A का जो O से डिस्प्लेसमेंट है Y वो डिक्रीज होता जा रहा है या डिस्टेंस डिक्रीज होता जा रहा है, तो VA को क्या लिखेंगे माइनस डी वाई बाई डी टी। यहां पे हम सॉल्यूशन में फर्स्ट स्टार्ट यही करेंगे फॉर डिस्टेंसेज ऑफ A एंड B फ्रॉम फिक्स पॉइंट O। एक फिक्स पॉइंट O से डिस्टेंसेस लिए हैं उसके लिए हम क्या लिख सकते हैं वी ए को हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ डी वाई बाई डी टी और वी बी को हम लिख सकते हैं वी नॉट जो गिवन है ये होगा प्लस डी एक्स बाई डी टी, क्योंकि टाइम के साथ एक्स इंक्रीज हो रहा है वाई डिक्रीज हो रहा है। फिक्स पॉइंट इस केस में O कॉमन है। कई केसेस ऐसे होंगे जहां पे पार्टिकल के फिक्स पॉइंट्स को आप अलग अलग भी ले सकते हैं, इट वोंट मेक एनी डिफरेंस। नाउ नेक्स्ट इसके बाद हमको डेवलप करना है रिलेशन इन एक्स एंड वाई। एक्स और वाई का रिलेशन आप डायरेक्टली लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एल स्क्वायर, और एल कांस्टेंट है, लेंथ ऑफ रॉड चेंज नहीं हो रही है। सो इस केस में अगर आप इस रिलेशन को डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टी तो आप देखें एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में होगा टू एक्स डी एक्स बाई डी टी प्लस वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन टू वाई डी वाई बाई डी टी इज इक्वल्स टू जीरो। यहाँ पे टू कैंसिल होगा हमारे पास रिलेशन आ जाएगा और dx by dt को हम लिख सकते हैं v नॉट, तो ये होगा x v नॉट प्लस y और dy by dt को हम लिखेंगे माइनस वी ए इज इक्वल टू जीरो। सो इस रिलेशन से हमारे पास va का वैल्यू निकल के आ रहा है। आप x v नॉट को दूसरी तरफ ले जाएं इक्वालिटी के माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा, va का वैल्यू आएगा हमारे पास v नॉट x अपॉन y। और आप इस गिवन ट्राइंगल में देखिए x अपॉन y को हम क्या लिख सकते हैं, x अपॉन y को हम लिख सकते हैं cot थीटा, बिकॉज इन द गिवन ट्राइंगल cot थीटा विल बी y बाई x x बाई वाई। सो हमारे पास va का वैल्यू निकल के आता है v नॉट cot थीटा, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अगर b की वेलोसिटी v नॉट है और रॉड का हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा है तो वेलोसिटी ऑफ एंड a विल बी गिवन बाई v नॉट cot थीटा। ये जो रिलेशन हमने निकाला
मेथडोलॉजी मस्ट बी वेरी क्लियर टू यू. इस मेथडोलॉजिकल कॉन्सेप्ट को हम D1 नाम देंगे. D1 इज द लिस्टेड कॉन्सेप्ट जो कि हमेशा आप किसी भी केस में जब दो या दो से ज़्यादा पार्टिकल्स के मोशन को रिलेट करना हो तो उनके किसी फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस को मेज़र करेंगे, उस डिस्टेंस के डेरिवेटिव को उनकी वेलोसिटी की तरह से लिखेंगे. ये ध्यान रखेंगे कि अगर डिस्टेंस कम हो रहा है तो वेलोसिटी नेगेटिव ली जाएगी, डिस्टेंस बढ़ रहा है तो वेलोसिटी पॉजिटिव ली जाएगी. और उन रिलेशंस को जिनसे वो डिस्टेंसेज रिलेट हो रही हैं डिफ्रेंशिएट करके हम वेलोसिटी के रिलेशन निकालेंगे. अभी कुछ और केसेस लेते हैं सो दैट ये जो कॉन्सेप्ट D1 है ये बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो. ऑल्दो इस केस को हैंडल करने के डायरेक्ट शॉर्टकट तरीके भी हैं और वो शॉर्टकट भी हम डिस्कस करेंगे, बट इट इज एडवाइजेबल कि पहले हम इस D1 के एप्लीकेशन समझें क्योंकि शॉर्टकट हर जगह पे काम नहीं आएंगे. देर आर एक्सेप्शनल केसेस जहां पे शॉर्टकट नहीं चलेंगे, इसलिए जरूरी है पहले हम D1 को समझें फिर शॉर्टकट मेथड से इन्हीं क्वेश्चंस को या इन्हीं इलस्ट्रेशन को क्विकली वापस से हैंडल करेंगे. ओ जी प्लीज बोर्ड को क्लियर करें. थैंक यू पोजी. एक और इलस्ट्रेशन यहाँ पे हम देख सकते हैं. वी आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक ए व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री. हमें एक ट्रक दिया गया जिसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है, जिससे एक स्ट्रिंग कनेक्टेड है और वो ब्लॉक ए से भी जुड़ी हुई है. ऑब्वियसली अगर ब्लॉक ए ग्राउंड के ऊपर है तो ये ग्राउंड पे चलने के लिए कंस्ट्रेंड है विद द वेलोसिटी वी ए जो हमें निकालनी है. ट्रक वेलोसिटी भी हॉरिजॉन्टल है, हमें ब्लॉक ए की वेलोसिटी निकालनी है तो हम ट्रक का फिक्स पॉइंट ये पुली लेते हैं और ये कंसिडर करते हैं कि ये डिस्टेंस एक्स है और ब्लॉक ए का जो यहाँ से डिस्टेंस लेना है इसको हम X2 ले सकते हैं, इसे X1 ले लीजिए. यानी यहाँ पे अगर VA और VT को X1 और X2 से लिंक करेंगे तो आप क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ ट्रक आप लिखेंगे प्लस dx1/dt और वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक ए लिखेंगे माइनस dx2/dt क्योंकि इस फिक्स पॉइंट से ये वाली डिस्टेंस X2 कम हो रही है. सो यहाँ पे सॉल्यूशन में सबसे पहली स्टेप हम लिखेंगे फॉर डिस्प्लेसमेंट्स X1 एंड X2 वी यूज. सबसे पहली चीज हम लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ ट्रक इज इक्वल्स टू प्लस dx1/dt और साथ में हम वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक ए लिखेंगे माइनस dx2/dt. यहाँ पे साइंस समझना बहुत जरूरी है, ना सिर्फ कंस्ट्रेंट मोशन के लिए, पूरे मैकेनिक्स के टॉपिक्स में या बाकी फिजिक्स के सभी चैप्टर्स में ये मेथडोलॉजी जो हम साइन कंसिडर कर रहे हैं डेरिवेटिव के साथ हर जगह यूज आने वाली है. सो इफ VT एंड VA आर गिवन, अब अगला टारगेट होगा हमारे पास टू फाइंड द रिलेशन इन X1 एंड X2. X1 और X2 में आप रिलेशन निकालिए और उसको डिफ्रेंशिएट कीजिए. यही हमारा था कॉन्सेप्ट D1. सो अगर X1 और X2 में रिलेशन के बारे में सोचा जाए, आप हमेशा ध्यान रखना आप कॉन्स्टेंट्स को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं. अगर ये वाली हाइट h ले लें और यहाँ पे आप कंसिडर कर लें स्ट्रिंग लेंथ की वैल्यू l है. सो हमें पता है l भी एक कॉन्स्टेंट है, h भी एक कॉन्स्टेंट है. अगर ये X1 है तो ये डिस्टेंस होगी l-x1. अगर ये डिस्टेंस l-x1 है और हाइट h है तो आप X1 और X2 को इस ट्राइंगल से रिलेट कर सकते हैं. रिलेशन हमारे पास होगा x2² + h² = l-x1² वाई पाइथागोरस. हमने इस ट्राइंगल से डिस्टेंसेस को रिलेट किया. X1 और X2 में रिलेशन दिख रहा है विद सम कॉन्स्टेंट्स. कॉन्स्टेंट्स की चिंता नहीं करनी है क्योंकि डिफरेंशिएट करने पे या तो कॉन्स्टेंट जीरो हो जाएगा या इस थीटा को जब हम रिलेट करेंगे तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के अंदर वो कॉन्स्टेंट चले जाएगा. यहाँ पे अगर इसे डिफरेंशिएट किया जाए विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सो X2 का डिफरेंशिएशन होगा 2x2 dx2/dt, h कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, l-x1² का डिफरेंशिएशन ट्वाइस ऑफ l-x1 - dx1/dt. यहाँ पे dx2/dt को आप लिख सकते हैं माइनस वी ए, 2 कैंसिल हो जाएगा, यह आएगा माइनस ऑफ वी ए टाइम्स x2 और यहाँ पे है l-x1 × dx1/dt + vt, तो ये हो जाएगा माइनस वी टी. माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा. आप ध्यान से देखें यहाँ से हमारे पास वी ए का वैल्यू कैलकुलेट हो गया जो है vt × l-x1/x2. अब आप इसी ट्राइंगल में ध्यान से देखें कि l-x1/x2 किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को डिनोट कर रहा है. यस इट इज sec थीटा. l-x1/x2 इज sec थीटा. तो हमारे पास रिलेशन आता है va = vt sec थीटा. 30 डिग्री अब सब्स्टिट्यूट करेंगे. हमेशा ध्यान रखिए थीटा यहाँ पे वेरिएबल है, लास्ट में जो वैल्यू दी गई है वो सब्स्टिट्यूट करनी है. तो रिलेशन हमारे पास आएगा 10 × sec 30° = 2/√3. सो ये वैल्यू आती है 20/√3 meters per second जो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा.
आपको बहुत केयरफुल रहना है क्वेश्चन के ओवरऑल एनालिसिस और कैलकुलेशन में, क्योंकि कई स्टूडेंट्स जल्दबाजी में दिमाग नहीं लगाते और टू द पॉइंट ये सोचते हैं ट्रक वीटी से जा रहा है तो ये स्ट्रिंग वीटी से जा रही है तो वीए की वैल्यू होनी चाहिए, वीटी कॉस थीटा सिर्फ कंपोनेंट लिया और एनालाइज कर दिया। दिस मेथड इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, क्योंकि आपने यहां पे कुछ भी सोचा नहीं, सिर्फ ये सोचा कि स्ट्रिंग वीटी से चल रही है तो ए उसके कंपोनेंट से चलेगा, ऐसा नहीं होगा क्योंकि ए की एक्चुअल वेलोसिटी वीए है, जो स्ट्रिंग का मूवमेंट है वो ए की वेलोसिटी नहीं है। सो स्ट्रिंग ए के एक पॉइंट से जुड़ी हुई है, तो क्या आप सोचते हैं पॉसिबल है कि अगर ये ए ब्लॉक का पॉइंट वीए से चल रहा है तो वो किसी और डायरेक्शन में ए से ज्यादा वेलोसिटी से चले, दैट्स प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। सो डायरेक्ट मेथड शॉर्टकट्स एग्जिस्ट करते हैं बट वो भी लॉजिकल है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है वीटी सेक थीटा और यही रिजल्ट निकलेगा। आप इसको शॉर्टकट से भी करेंगे लेकिन कुछ देर बाद, पहले हम इस मेथड को कॉन्सेप्ट D1 को अच्छी तरह से समझें क्योंकि ये बहुत क्रिटिकल है। किसी भी केस में अगर दो बॉडीज या दो पार्टिकल्स के मोशन को रिलेट करना है तो उनके डिस्टेंसेस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट रिलेट करके डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास उनकी वेलोसिटीज का रिलेशन निकलेगा। अगर इनके एक्सेलरेशन को रिलेशन निकालना है तो एक स्टेप और आगे जाना पड़ेगा जिसे हम बाद में बात करेंगे। यू मस्ट बी वेरी केयरफुल, यहाँ हम सिर्फ वेलोसिटी के रिलेशंस निकाल रहे हैं, अभी एक्सेलरेशन के रिलेशंस नहीं निकाल रहे हैं। एक्सेलरेशंस हमने बात करी थी जब डिस्प्लेसमेंट्स दोनों के बराबर थे, एक ही स्ट्रिंग थी तो वेलोसिटी भी सेम रहेगी, एक्सेलरेशन भी सेम रहेगा, लेकिन जब एंगल्स इन्वॉल्व हो जाते हैं तो उस केस में वेलोसिटी एक्सेलरेशन के रिलेशन सेम नहीं रहते, कैसे वो भी आगे देखेंगे। पहले आगे बढ़ते हैं। पोजी प्लीज क्लियर द बोर्ड। थैंक यू पोजी। एक और इलस्ट्रेशन देखते हैं, बहुत सिंपल है लेकिन मेथडोलॉजिकली हम उसी तरीके से करेंगे जैसे अब तक हम करते आए हैं। एक स्लीव है, वर्टिकल रॉड में डाली गई है, स्लीव ए को डाउनवर्ड कांस्टेंट वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड से नीचे पुल किया जा रहा है, बाई सम मैकेनिज्म वो शो नहीं की गई है, और हमें वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी निकालनी है। ऑब्वियसली जब ए नीचे आएगा तो बी ऊपर जाएगा, हमको इसकी वेलोसिटी वी बी निकालनी है जब थीटा की वैल्यू 60 डिग्री होगी। तो सबसे पहले आपको वी बी और वी ए में रिलेशन निकालना होगा, उसके लिए बेटर होगा कि हम यहाँ पे VA और VB के किसी फिक्स पॉइंट से डिस्टेंसेस लें और उन डिस्टेंसेस को रिलेट करें। सो B को देखने पे लग रहा है कि हमारा फिक्स पॉइंट इस पुली का पॉइंट लिया जा सकता है, और ये पुली का जो पॉइंट है ये डिस्टेंस अगर X है तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली सॉल्यूशन में लिख सकता हूँ फॉर डिस्प्लेसमेंट्स और फॉर डिस्टेंसेस ऑफ A एंड B फ्रॉम फिक्स पॉइंट्स, यहाँ पे हमारे पास VB का वैल्यू डायरेक्टली लिखा जा सकता है माइनस ऑफ dx बाई dt, क्योंकि यहाँ पे x कम हो रहा है। अब A का डिस्टेंस कहाँ से लें, यहाँ से भी ले सकते हैं बट ये रिलेशन बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो जाएगा, ये y लेंगे तो VA को माइनस dy बाई dt आप लिख सकते हैं, लेकिन फिर y को इस x से रिलेट करना डिफिकल्ट होगा। तो मैं क्या करता हूँ, एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ इस पुली के लेवल पे और यहाँ पे एक फिक्स पॉइंट ले लेता हूँ, इसको O नाम दे देता हूँ या इसको O2 ले लेता हूँ, और ये वाला पॉइंट O1 हो जाएगा। फिक्स पॉइंट कोई भी हो सकता है, इस रॉड के ऊपर मैंने इस O2 को फिक्स पॉइंट ले लिया, और इस फिक्स पॉइंट से अगर A का डिस्टेंस मैं Y लेता हूं तो आप ध्यान से देखिए मेरे लिए Y और X को रिलेट करना इजी होगा। ये मैनिपुलेशन आपके दिमाग में चलते रहनी चाहिए, क्योंकि अगर स्ट्रिंग लेंथ यहां पे ले ली जाए, स्ट्रिंग लेंथ को अगर हम L ले लेते हैं तो ये वाली जो लेंथ होगी ये होगी L माइनस X, और ये y है तो ये वाली डिस्टेंस भी कुछ ना कुछ कांस्टेंट होगी, इसको हम s लिख सकते हैं। s भी एक कांस्टेंट होगा क्योंकि पुली फिक्स्ड है और वर्टिकल रॉड फिक्स है, तो हम यहाँ पे इजीली y और x को रिलेट कर पाएंगे इस ट्राइंगल से जो हमने मैनिपुलेशन से जनरेट किया। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ va का वैल्यू प्लस dy बाई dt, क्योंकि आप ध्यान से देखें अगर ऊपर से मुझे लेना है तो VA की वजह से Y इंक्रीज हो रहा है, तो VA आई एम गोइंग टू राइट एज प्लस dy बाई dt। आप चाहें तो ये डिस्टेंस Y ले लीजिए और इस पॉइंट का यहाँ से हाइट h एक और कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करके इसको h माइनस y लिख दीजिए, और फिर VA को माइनस dy बाई dt लिखें, क्वेश्चन आराम से सॉल्व होगा, लेकिन एक कांस्टेंट और इंट्रोड्यूस हो जाएगा। धीरे धीरे आपको हैबिट में ये समझना है कि कैसे हम अपनी तरफ से कांस्टेंट्स को इंट्रोड्यूस करके क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं बिना उस कांस्टेंट का यूज किए। इसके बाद हमें रिलेशन डेवलप करना है इन x एंड y, आप x और y का रिलेशन लिख सकते हैं, y स्क्वायर प्लस s स्क्वायर इज इक्वल टू l माइनस x होल स्क्वायर। अब देखें इस ट्रायंगल में विद पाइथागोरस हमने ये रिलेशन लिखा, अब इसको डिफरेंशिएट कीजिए विद रिस्पेक्ट टू टाइम, व्हाट यू आर गोइंग टू गेट,
twice of y dy by dt plus s square 0 होगा, तो लिखने की जरूरत नहीं है, is equal to twice of l minus x minus dx by dt. आप substitute कर सकते हैं, minus dx by dt को vb और dy by dt को va 2 cancel होगा, so y va is equals to l minus x times minus vb, यह आ जाएगा vb, और यहां से आप देख सकते हैं हमारे पास vb का value आ गया, vb का value होगा va multiplied by y divided by l minus x. Now this is the time to see ki y by l minus x kis trigonometric ratio ko denote karega. Agar is triangle mein dekhe to y divided by l minus x hoga cos theta. So aap dhyan se dekhe, yahan pe hamare paas vb ka value aa raha hai va cos theta. Main janta hu aap kya soch rahe honge, pichle question mein sec theta aa gaya tha, yahan cos theta kaise aa gaya. This is again very important point to be understood, kyunki is question ka answer yahi hoga jo isme value substitute karke niklega. Va hamare paas hai 20, theta has 60 degree, so cos theta will be 1 by 2, value आएगी हमारे पास 10 meters per second, यही इस question का answer है. इसका reason है कि ये question और पिछला question same नहीं है, दोनों में given situations में एक difference है, वो अभी हम देखेंगे, जब shortcut tricks देखेंगे इन questions की, तो एक ही direct trick से पिछला question, ये question या इस तरह के सभी questions के velocity relations हम directly deduce करेंगे और सारे answer same ही निकलेंगे जो हमने इस methodological तरीके से निकाले हैं. I still wish कि आपको ये method जो हमने D1 format में list किया है आप समझ चुके हैं, जिसमें हमको किसी फिक्स पॉइंट से पार्टिकल्स के डिस्टेंसेस लेने हैं, उनको रिलेट करना है, डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी रिलेशन निकालना है. फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, यहां एक्सेलरेशन के रिलेशंस की बात नहीं हो रही है, एक्सेलरेशन के रिलेशन सिर्फ बेसिक पुली सिस्टम्स में थे जो इनिशियली डिस्कस किए थे. जब एंगल्स इन्वॉल्वड होते हैं और वो भी वो एंगल्स जो चेंज हो रहे हैं, थीटा चेंज हो रहा है मोशन के साथ, तो एक्सेलरेशन के और वेलोसिटी के रिलेशन सेम नहीं रहते. आइए आगे बढ़ते हैं एक और केस की तरफ. पोजी प्लीज क्लियर द बोर्ड. थैंक यू पोजी. सो एक और इलस्ट्रेशन यहां पे आपके सामने, थोड़ा सा एडवांस लेवल का है, या ये कहें कि अब तक जो इलस्ट्रेशन लिए उससे एक स्टेप हायर है, बट सॉल्व करने का मेथड वही D1 है, फंडामेंटल लेवल से सॉल्व करेंगे. मगर इस तरह के क्वेश्चंस जनरली जेई एडवांस एम्स या फिजिक्स ओलंपियाड में पूछे जाते हैं, जेई मेन और नीट में नहीं पूछे जाते, बट फिर भी मैं चाहूंगा जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं बिल्कुल एलिमेंट्री लेवल पे फॉलो करें और देखें कितना इजीली उसी तरीके से हम इस क्वेश्चन को भी हैंडल करेंगे. हमारे पास एक सिंगल स्ट्रिंग दी हुई है जिससे एक ब्लॉक बी हैंग कर रहा है और इस स्ट्रिंग के नीचे एक जगह एक पुल्ली से ट्रायंगुलर वेज ब्लॉक रखा गया है इस ग्राउंड के ऊपर जो आगे आ रहा है वीए वेलोसिटी से. तो इस स्ट्रिंग के नीचे से जब ये स्लाइड करेगा तो ये वाला एंगल थीटा इंक्रीज होगा, तो स्ट्रिंग लेंथ ऊपर बढ़ेगी तो ये ब्लॉक बी ऊपर जाएगा. क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड वीबी व्हेन थीटा इज 30 डिग्री. ए ब्लॉक की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड दी गई है. सो यहां पे सबसे पहले हम फिक्स पॉइंट से ए और बी के डिस्टेंसेस लेते हैं. आई थिंक डायरेक्टली आप डिनोट कर सकते हैं, बी का ये डिस्टेंस वाई ले लीजिए, ए का ये वाला डिस्टेंस एक्स ले लीजिए, वॉल का ये पॉइंट ओ वन और पुली का ये पॉइंट ओ टू हम ले सकते हैं. अब हम एक्स और वाई को रिलेट कैसे करेंगे, ये तो क्लियर है, वी बी माइनस डी वाई बाई डी टी होगा और वी ए प्लस डी एक्स बाई डी टी होगा. अगर यहाँ पे हम एक कॉन्स्टेंट इंट्रोड्यूस करें स्ट्रिंग लेंथ, आई थिंक आप सब समझ चुके हैं कि स्ट्रिंग लेंथ एल है, तो ये वाली लेंथ कितनी होगी, एल माइनस एक्स माइनस वाई. और अगर ये वाली कांस्टेंट लेंथ एस ले लेते हैं और ये एक्स है, ये पूरी डिस्टेंस आप एक्स ले लीजिए इस पुली से लेके इस वॉल तक की, तो ये वाला डिस्टेंस क्या होगा, इस डिस्टेंस को हम लिख सकते हैं एस माइनस एक्स, क्योंकि ये डिस्टेंस एक्स है तो ये होगा एस माइनस एक्स, और इस ब्लॉक की हाइट को हम ले सकते हैं एच. सो नाउ आई कैन डायरेक्टली सॉल्व दिस क्वेश्चन. यहाँ पे वी यूज वी ए को हम लिखेंगे प्लस डी एक्स बाई डी टी और वी बी को हम लिखेंगे माइनस डी वाई बाई डी टी. आई थिंक मुझे अभी ये समझाने की ज़रूरत नहीं है. और इस ट्राइंगल से हम डिस्टेंसेस को रिलेट करेंगे. अगेन वी यूज एस माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू एल माइनस एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर. थोड़ा सा आपको इक्वेशन एक्सप्रेशन लंबा लग रहा होगा, बट अगर ध्यान से देखें तो कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. एक्स और वाई को रिलेट करना था और हम जितने चाहें कॉन्स्टेंट्स इंट्रोड्यूस कर सकते हैं. कॉन्स्टेंट्स डिफ्रेंसिएशन में या जीरो हो जाते हैं या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में चले जाते हैं. सो एक ये एच हाइट ले ली जो चेंज नहीं होती, ये वाला डिस्टेंस एस चेंज नहीं होता, स्ट्रिंग लेंथ चेंज नहीं होती. अब रिलेशन आ गया है तो अब इसके बाद हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी. सो ये होगा हमारे पास ट्वाइस ऑफ एस माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाई
माइनस dx by dt, तो मैं इसको डायरेक्टली मैं यहाँ पे माइनस va लिख देता हूँ, h स्क्वायर जीरो हो जाएगा, l माइनस x माइनस y स्क्वायर का टाइम रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव होगा ट्वाइस ऑफ l माइनस x माइनस y मल्टीप्लाइड बाई माइनस dx by dt माइनस dy by dt. सो dx by dt को va लिखेंगे तो ये आएगा हमारे पास माइनस va, माइनस ऑफ dy by dt को लिखेंगे तो ये हो जाएगा प्लस vb. आई होप सारे स्टूडेंट्स फॉलो कर रहे हैं. और यहाँ पे ये 2 कैंसिल हो जाएगा और अब ध्यान से देखें तो ये वाली टर्म vb माइनस va मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ. vb माइनस va की वैल्यू आएगी माइनस va मल्टीप्लाइड बाई s माइनस x डिवाइडेड बाई l माइनस x माइनस y. अब आप आराम से इस ट्रायंगल में से ये वैल्यू देख सकते हैं कि s माइनस x डिवाइडेड बाई l माइनस x माइनस y क्या होगा. s माइनस x डिवाइडेड बाई l माइनस x माइनस y होगा cos थीटा. अगर आप यहाँ पे डालते हैं तो ये वैल्यू आती है माइनस va cos थीटा. सो फर्दर एक स्टेप आगे बढ़े तो vb में इस माइनस va को मैं राइट हैंड साइड ले जाता हूँ तो ये आएगा va मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस cos थीटा. अगर वैल्यू सब्सटीट्यूट की जाए va की वैल्यू दी गई है हमें 10 मीटर्स पर सेकेंड, थीटा दिया गया 30 डिग्री, सो दिस 1 माइनस रूट 3 बाई 2. सॉल्व करने पे वैल्यू हमें मिलती है 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस रूट 3 मीटर पर सेकेंड, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर होगा. आई होप कि सभी स्टूडेंट ने इस पूरे मेथड को, जो D1 कॉन्सेप्ट को हमने अप्लाई किया, इसे फॉलो किया है. और जितने भी इलस्ट्रेशन मैंने यहाँ पे लिए हैं ये सारे इलस्ट्रेशन आपको फंडामेंटली D1 मेथड से क्लियर है. नाउ क्विकली मैं अब लेने वाला हूँ एक शॉर्टकट मेथड जिससे ये सारे क्वेश्चन आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं. इस पूरे मेथड की जरूरत नहीं है बट स्टिल आई प्रेफर जब इस तरह के क्वेश्चन हो जिसमें कि डिस्टेंसेस रिलेट करने के लिए कई कॉन्स्टेंट्स इंट्रोड्यूस करने की जरूरत है. सो अगला मेथड D2 जो डायरेक्ट मेथड होता है डिस्टेंसेस को रिलेट करने का, वेलोसिटीज को रिलेट करने का, उसे अप्लाई ना करें. जब एक या दो कांस्टेंट या सिंगल कांस्टेंट कहीं इंट्रोड्यूस हो रहा है तो आप आराम से उस D2 मेथड को अप्लाई करें और देखिए शॉर्टकट मेथड से कैसे ओरली आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे और सेम रिजल्ट्स आएंगे. आइए आगे बढ़ते हैं उस मेथड की तरफ. पोजी प्लीज बोर्ड को क्लियर करें. थैंक यू पोजी. सो स्टूडेंट्स अभी हमने कई सारे इलस्ट्रेशन ले लिए हैं, अब आ गए हम एक शॉर्टकट मेथड के ऊपर. इस शॉर्टकट मेथड पे जाने से पहले अगर आप इस तरह के और इलस्ट्रेशन देखना चाहते हैं, उनकी प्रैक्टिस करना चाहते हैं, क्योंकि मैंने अभी बताया आपको D1 मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है कई जगह पे, नॉट ओनली इन द टॉपिक ऑफ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, पूरे मैकेनिक्स में, फ्यूचर में भी काम आने वाला है. आप फिजिक्स गैलेक्सी वॉल्यूम 1 के फर्स्ट चैप्टर में कई इस तरह के इलस्ट्रेशंस देख सकते हैं, अनसॉल्व क्वेश्चंस देख सकते हैं जिनके सॉल्यूशंस भी अवेलेबल हैं, और इनकी प्रैक्टिस लगातार करते रहिए. या physicsgalaxy.com पे MCQ प्रैक्टिस सेक्शन या क्यूसेट से भी ये प्रैक्टिस की जा सकती है. आइए आगे बढ़ते हैं. ओजी नेक्स्ट टॉपिक को ओपन करें. सो दिस व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस, डायरेक्ट कंस्ट्रेंट रिलेशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज. यहाँ पे एक बॉडी आपके सामने है, एक पिक्चर है जिसमें दिया गया है कि ये बॉडी वी नॉट वेलोसिटी से चल रही है. हम यहाँ पे मानते हैं कि ये एक रिजिड बॉडी है. रिजिड बॉडी मतलब इसके पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस हमेशा कॉन्स्टेंट रहेगा, चेंज नहीं होगा. सो दो पॉइंट्स या पार्टिकल्स इस बॉडी में हमने कंसिडर करें, ए और बी, जिनके बीच का डिस्टेंस है एल. अगर ये बॉडी वी नॉट वेलोसिटी से चल रही है तो ये दोनों पार्टिकल भी वी नॉट वेलोसिटी से ही चल रहे होंगे. तो आप ये देख सकते हैं कि अगर बी भी इधर चल रहा है वी नॉट वेलोसिटी से, ए भी इधर चल रहा है वी नॉट वेलोसिटी से, सो ये जो भी लाइन ज्वाइनिंग ए बी होगी इससे इन दोनों का एंगल थीटा और थीटा सेम होगा. यानी अगर हम इन वेलोसिटीज की बात करें तो वेलोसिटी के अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग कंपोनेंट्स क्या होंगे, ये होंगे वी नॉट कॉस थीटा और वी नॉट कॉस थीटा, दोनों बराबर हैं. ऑब्वियसली इन दोनों को बराबर होना पड़ेगा क्योंकि अगर ये वेलोसिटीज अलग अलग होती तो इन पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस या इंक्रीज हो जाता है या डिक्रीज हो जाता है. आप खुद समझ सकते हैं अगर ए की वेलोसिटी टूवर्ड बी, बी की वेलोसिटी अलॉन्ग लाइन ज्वाइनिंग ए बी से ज्यादा होती तो ये दोनों पास आ जाते हैं, और अगर बी की ज्यादा होती है इसे तो ये दूर हो जाते हैं. यानी हमेशा किसी भी रिजिड बॉडी में या कोई भी दो पार्टिकल्स के बीच का अगर डिस्टेंस कॉन्स्टेंट है सो उनकी वेलोसिटीज अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू पार्टिकल्स, हमेशा उनकी वेलोसिटीज के कंपोनेंट सेम रहेंगे. या हम ये कह सकते हैं फॉर टू पार्टिकल्स, इस बात को बहुत ध्यान से समझें, कनेक्टेड विद अ रिजिड बॉडी, फॉर टू पार्टिकल्स कनेक्टेड विद अ रिजिड बॉडी, ऑलवेज their velocity components
a long line joining them are equal. जो इनके वेलोसिटी कंपोनेंट्स होंगे वो लाइन जॉइनिंग द टू पार्टिकल्स हमेशा इक्वल होंगे, या इसको दूसरी लैंग्वेज में कह सकते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वन पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू अदर अलोंग द लाइन जॉइनिंग विल बी जीरो. आप इसको लिख सकते हैं वी रिलेटिव ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी अलोंग लाइन ए बी दिस शुड बी इक्वल टू जीरो. इस बात को बहुत ध्यान से समझें, इस चीज को दिमाग में बैठाएं. रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी अलोंग लाइन ए बी, ए बी के अलोंग जो वी ए माइनस वी बी होगी वो जीरो होनी चाहिए. बात एक ही है, चाहे आप इसको कहें कि वेलोसिटी कंपोनेंट्स अलोंग लाइन ज्वाइनिंग सेम होंगे या रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू अदर अलोंग लाइन ज्वाइनिंग सेम रहेगी. अब ये जो मेथड हमने लिखा है, ये जो कॉन्सेप्ट लिखा है, इसको हम लिस्ट करते हैं डी टू. आप ये सोच रहे होंगे कि ये मेथड कहाँ है, ये तो सिर्फ एक स्टेटमेंट है. आइए देखते हैं इसी स्टेटमेंट से कैसे हमने अब तक जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, जितने इलस्ट्रेशन लिए हैं, उनको चुटकियों में सॉल्व करते हैं. पोजी प्लीज बोर्ड को क्लियर करें. थैंक यू पोजी. सो आप देखें यहाँ पे वही इलस्ट्रेशन है जो हमने सबसे पहले लिया था कंस्ट्रेंट मोशन के इस क्लास की बिगनिंग में. अगर आप ध्यान से देखें, एक रॉड दी गई है बी पॉइंट, वी नॉट वेलोसिटी से चल रहा है और हमें निकालना है वेलोसिटी ऑफ एंड ए, जिसे हमने सॉल्व किया था डिस्टेंसेस लेके उनको रिलेट करके डिफरेंशिएट करके मेथड डी वन से. यहां पे हम इसको डायरेक्ट सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. हमें वेलोसिटी ऑफ एंड ए वी ए निकालना है. ए की डाउनवर्ड वेलोसिटी वी है, बी की राइटवर्ड वेलोसिटी वी नॉट है. सॉल्यूशन में हम डायरेक्टली यूज करेंगे डी टू मैथड, जो ये कहता है, मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, डायरेक्ट यूज कर रहा हूं. जो मैथड ये कहता है कि अलॉन्ग द लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी वेलोसिटी कंपोनेंट सेम होने चाहिए. यहाँ पे एक रिजिड रॉड है, हम पहले भी बात कर चुके हैं. रिजिड रॉड मींस इनके बीच का सेपरेशन चेंज नहीं होता. इफ दिस एंगल इज थीटा अलोंग लाइन ए बी, ये एंगल थीटा होगा और बी का वेलोसिटी कंपोनेंट होगा यहाँ पे वी नॉट कॉस थीटा. और अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल होगा हमारे पास 90 डिग्री माइनस थीटा. और अगर ये डाउनवर्ड वेलोसिटी वी ए है तो वी ए का इधर कंपोनेंट होगा वी ए कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा, यानी VA sin theta. So along the line joining A and B we can use VA sin theta is equals to VB cos theta, या इसको हम लिख सकते हैं V not cos theta. आप देखें यहाँ से डायरेक्टली VA का वैल्यू आ रहा है V not cot theta, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर होगा. आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. थैंक यू पोजी. ये वही क्वेश्चन है जो हमने सॉल्व किया था बाय यूजिंग मेथड D1. अब हम बात करते हैं ए की वेलोसिटी जब थीटा 30 डिग्री होगा, तो अगर ए आगे जा रहा है विद वेलोसिटी वी ए, केस ये है कि यहां पे इंस्टीट ऑफ ए रिजिड रॉड स्ट्रिंग दी गई है, और स्ट्रिंग अगर टाइट होती है तो हमें पता है इट बिहेव्स लाइक अ रिजिड बॉडी, स्ट्रिंग की लेंथ कांस्टेंट है. सो अगर ये ट्रक स्ट्रिंग से जुड़ा हुआ है और ये ब्लॉक ए स्ट्रिंग से जुड़ा है, तो स्ट्रिंग की लेंथ के में स्ट्रिंग की लेंथ में कोई वेरिएशन नहीं आएगा. इसका मतलब यह है कि स्ट्रिंग को हम एक रिजिड बॉडी की तरह मान सकते हैं. जो पॉइंट ट्रक से जुड़ा है और जो पॉइंट ए से जुड़ा है, इनके बीच की डिस्टेंस चेंज नहीं होगी. तो यहाँ पे हम वेलोसिटी कंपोनेंट लेंगे अलोंग दी लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग. सो सॉल्यूशन में हम यहाँ पे इसी मेथड डी वन को डी टू को थोड़ा सा मॉडिफाई करें डायरेक्ट सॉल्व करने के लिए. अलोंग दी लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग velocity components of bodies at ends must be equal, क्योंकि जो बॉडीज स्ट्रिंग के एंड पे जुड़ी हुई हैं उनकी वेलोसिटी अलोंग द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग सेम होनी चाहिए, क्योंकि स्ट्रिंग की लेंथ कॉन्स्टेंट है और स्ट्रिंग को हम मान के चलते हैं कि ये टाइट रहती है. यहां पे अगर देखेंगे, अगर ये बॉडी ए वी ए वेलोसिटी से चल रही है तो अलोंग द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इसकी वेलोसिटी होगी वी ए कॉस थीटा, और अगर ट्रक वी टी से चल रहा है तो ये अलोंग द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ही चल रहा है. सो इन दिस केस हम लिख सकते हैं वी टी इज इक्वल टू वी ए कॉस थीटा, यानी यहां से हमारे पास वी ए का वैल्यू आता है वी टी सेक थीटा, और वैल्यू सब्सटीट्यूट करें दिस 10 मल्टीप्लाइड बाई थीटा 30 बाई इट इज 2 बाई रूट 3, यानी 20 बाई रूट 3 मीटर्स पर सेकेंड इस क्वेश्चन का आंसर जो हमने यहाँ पे डायरेक्ट निकाला. आइए एक और केस लेते हैं जो हम पहले ले चुके हैं. पोजी प्लीज चेंज द इलस्ट्रेशन. थैंक यू पोजी. सो पोजी ने वही इलस्ट्रेशन ओपन किया है जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं डी वन मैथड से, यानी डिस्टेंसेज को रिलेट करके डिफ्रेंशिएट करके. यहाँ पे हम इसको डी टू से सॉल्व करते हैं. हमें पूछा गया वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी
when sleeve A is going down at 20 meters per second, to B upar jayega with velocity VB. So string ki length ke along hume velocity components equate karne hai. So directly hum likh sakte hain along length of a string. आप देखें B की वेलोसिटी तो VB ही रहेगी और A की वेलोसिटी डाउनवर्ड VA है तो स्ट्रिंग की लेंथ के अलोंग आप देखें ये एंगल थीटा रहेगा. अगर ये A नीचे आ रहा है विद वेलोसिटी VA यानी 20 मीटर्स पर सेकंड तो स्ट्रिंग की लेंथ के अलोंग इसकी वेलोसिटी होगी VA cos थीटा. सो VA cos थीटा और VB बराबर होनी चाहिए. VB इज इक्वल्स टू VA cos थीटा. डायरेक्टली आपके पास VB निकल के आ गया. वैल्यू होगी 20 मल्टीप्लाइड बाय cos 60 डिग्रीज 1/2 यानी 10 मीटर्स पर सेकंड जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा. आई होप सभी स्टूडेंट को ये शॉर्टकट मेथड पसंद भी आया होगा, क्लियर भी होगा. बट फिर भी मैं ये कहूंगा शॉर्टकट्स की हमेशा लिमिटेशन होती है. ऐसे शॉर्टकट्स नहीं होते जो यूनिवर्सल हो. अगर आप देखें तो जो भी मैंने 2-3 क्वेश्चन सॉल्व किए उनमें सिर्फ एक या दो कांस्टेंट्स इंट्रोड्यूस हो रहे थे. अगर हम लास्ट इलस्ट्रेशन की बात करें जो थोड़े और एडवांस लेवल का था या फिजिक्स गैलेक्सी बुक से, कई इस तरह के इलस्ट्रेशंस की जब प्रैक्टिस करेंगे तो आप देखेंगे हर क्वेश्चन को आप इतना आसानी से शॉर्टकट से सॉल्व नहीं कर पाएंगे. ऑल्दो जेई मेन और नीट के स्टूडेंट इस शॉर्टकट को दिमाग में रख सकते हैं क्योंकि जितने भी क्वेश्चन अब तक जेई मेन या नीट में आए हैं वो सभी क्वेश्चन इन शॉर्टकट मैथड से सॉल्व हो जाते हैं. यानी आगे भी इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है कि कॉम्प्लेक्स केसेज या सिर्फ D1 से सॉल्व होने वाले क्वेश्चन ही जेई मेन या नीट में आएंगे. सो जेई मेन और नीट के स्टूडेंट्स के लिए गुड न्यूज है. बट जेई एडवांस और एम्स की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स D1 मेथड को इक्वली दिमाग में रख के चलें. या कहीं पे भी आपको D2 को अप्लाई करने में कंफ्यूजन हो रहा हो तो आप कभी भी D2 अप्लाई ना करें क्योंकि D1 फुल प्रूफ मेथड है. मैं यही चाहूंगा कि इसके बाद जो मैंने एक इलस्ट्रेशन लिया था जिसमें एक ट्रायंगुलर ब्लॉक के हेड पे पुली थी और वो मूव कर रहा था और ब्लॉक भी ऊपर जा रहा था, उसको आप कोशिश करें D2 से करने की. लेकिन आपको कन्फ्यूजन होना अराइज होना शुरू होगा, आप इमीजिएटली छोड़ दें. अननेसेसरी मेंटल ब्लॉक में ना पड़े क्योंकि कॉम्प्लेक्स केसेस में D1 इज अ फुल प्रूफ मेथड. इन क्वेश्चंस को भी आप देखेंगे तो D1 कोई लंबा मेथड नहीं है, प्रैक्टिस से वो भी बहुत इजीली हैंडल हो जाता है. सो एडवांस या एम्स या फिजिक्स ओलंपियाड स्टूडेंट्स के लिए बहुत जरूरी है कि मेथड D1 को ही हाई प्रायोरिटी मेथड लेके चलें. सो हम अगली क्लास में यहां से आगे बढ़ेंगे. आज की फर्स्ट क्लास में हमने जो बेसिक कंस्ट्रेंट्स के बारे में बात की है, टू कनेक्टेड बॉडीज के कंस्ट्रेंट मोशन को रिलेट किया है, उनके वेलोसिटीज को डिस्प्ले से रिलेट किया है. यहां से एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, कई तरह के केसेस अभी आपके सामने आने वाले हैं और कंस्ट्रेंट मोशन को कंप्लीट करने के बाद हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के हायर एप्लीकेशंस पे चलेंगे क्योंकि बहुत जरूरी है न्यूटन्स लॉज को समझने के लिए कंस्ट्रेंट मोशन के फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग और उनके फंडामेंटल एप्लीकेशन. सो नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे. टिल देन आई विश ऑल द बेस्ट एंड स्टे ट्यून्ड विद हाइब्रिड फिजिक्स. एंड हाइब्रिड फिजिक्स हम कवर कर रहे हैं मैक्सिमम इन डेप्थ कवरेज इन मिनिमम पॉसिबल टाइम. विश ऑल द बेस्ट.